हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली बार दोस्तों आप लोगों ने बोला था कि एक लोड टेस्ट का एक वीडियो बनाइए, तो आज मैंने फिर से आज आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 12:30 बजे हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी मेरा इस पे इन्वर्टर पे अभी मैंने दो लोड चला रखा है। जैसे कि मैं एक फ्रिज चल रहा है और एक कूलर कूलर चल रहा है, जो कि कूलर लगभग 200 वाट 180 से 200 वाट का लगभग होगा, और 100 वाट का एक फ्रिज चल रहा है, और एक ट्यूबलाइट चल रही है दोस्तों, और एक किचन में मेरे एक 12 वाट का एलईडी बल्ब चल रहा है, और जो ट्यूबलाइट है वो 20 वाट की है दोस्तों, मैं आपको उसमें बता दे रहा हूँ। इतना लोड चल रहा है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लोड की परसेंटेज है 22% चल रही है और बैटरी मेरी फुल्ली चार्ज है। तो दोस्तों आपको मैं आज दिखाता हूँ, इस पे मैं और लोड बढ़ाने जा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं कि इस पे 22% के बाद कितना परसेंट लोड बढ़ता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 22% लोड पे अभी कितना एम्पियर से चल रहा है, बैटरी फुल होने के बावजूद 5.7 एम्पियर से अभी यूज़ कर रहा है इन्वर्टर, 243 वाट आउटपुट आ रहा है पैनल से। और उसके बाद अब चलते हैं दोस्तों, लोड बढ़ाते हैं हम लोग। जैसा कि दोस्त देख सकते हैं दोस्तों, हम लोड बढ़ा रहे हैं। एक मैंने ट्यूबलाइट 18 वाट की जला दी है और मैं सीलिंग फैन को ऑन कर दिया हूँ, जो कि उषा का 43 वाट का है, और एक मैं कूलर ओपन कर रहा हूँ जो कि देख रहे हैं इसमें प्रॉपर चल रहा है, लगभग 250 से 300 वाट के करीब होगा दोस्तों। इस पर पूरा पुराना कूलर है मेरा, लेकिन इस पर मेंशन तो नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं इसमें एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, तो लगभग 250 से 300 वाट के लगभग आसपास होगा, 250 वाट मान कर चलते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसमें अभी कितना लोड बढ़ा हुआ है, और आकर चलते हैं। मैंने एक यहाँ की भी लाइट मैंने ऑन कर दी है, और 22% के बाद देखते हैं दोस्तों कितना परसेंट इस पे लोड बढ़ा हुआ है और कितना एम्पियर बढ़ा हुआ है। 63% लोड टोटल हो गया है दोस्तों, और हमारे 14.9 मतलब 15 एम्पियर के नियर अबाउट ये पैनल से आउटपुट आने लगा है दोस्तों। अभी इस पे हम और लोड देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। एक बार जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर और लाइट्स जला रहे हैं और एक और पंखा ऑन कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ की भी लाइट्स मैंने जला दी है दोस्तों। हम आ गए हैं और किचन की लाइट्स जला रहे हैं, किचन की लाइट जला ली हमने। और यहाँ पर जैसा कि मैं मेरा एक फ्रिज है सैमसंग का, डबल डोर का फ्रिज है, और दोस्तों ये अभी यहाँ पे लाइट्स जल रही है, ये अभी ऑन कंडीशन में है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रिज मेरा चल रहा है। तो हालांकि हमने सभी लोड को यहाँ पर एक और यहाँ पर लाइट्स जला लेते हैं, और हमने पूरा लोड चला रखा है, उसके बाद देखते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, हमारा एक ट्यूबलाइट भी यहाँ पर चल रहा है, एक फ़ैन चला देते हैं 50 वाट का उषा का है, और ये हमारे एक 43 इंच की टीवी है, जो कि जिसका इसका वाटेज है 120 वाट का इसका लोडिंग है। और दोस्तों इस पर एक मैं वन प्लस का एक 80 वाट का चार्जर भी कनेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ की एक लाइट्स मैंने 9 वाट की और ऑन कर ली है, और मैं कुछ लाइट्स से ऑन कर रहा हूँ जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वो स्विच ऑन किया है, और मेरी बाहर की 4 लाइटें जली हैं दोस्तों, यहाँ 2 इधर हैं और 2 मतलब पीछे की साइड में है, मतलब टोटल 20 वाट का बाहर भी लाइट मैंने जला दिया है, और बाहर मेरा एक 12 वाट का एलईडी बल्ब जल रहा है दोस्तों। उसके बाद तो मैं आपको अब चलते हैं इन्वर्टर की तरफ, देखते हैं कितना लोड चल रहा है। आइए दोस्तों हम आ गए हैं अपने इन्वर्टर की तरफ, और यहाँ पर हम जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टोटल एक
पावर सेवर ऑन है। आउटपुट लोड 94% लोड है। इसका फ्रिक्वेंसी रेट 50 हर्ट्ज है और ये आप दोस्तों देख पा रहे हैं 19.9 एम्पियर, और ये देख पा रहे हैं। देख लिए दोस्तों, मैंने अपने हिसाब से लगभग सारा ही लोड डाल दिया है। उसके बाद आपको एक बार एग्जैक्टली करके दिखा दे रहे हैं टोटल लोड कितना पड़ रहा है। दोस्तों मैंने एक और टेबल फैन मैंने अभी ऑन किया है। इस पराठा फैन है दोस्तों, तो मानकर चलिए इसको 70 से 80 वाट के बीच में हम रखते हैं। और दोस्तों इतना पे हालांकि मेरा इन्वर्टर ओवरलोड देने लगा, और यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो ओवरलोड ट्रिप होने के बाद एक बार दोबारा फिर से हुआ है ऑन। ओवरलोड की इस पे बीप देने लगा अभी जस्ट, तो मैंने एक पंखा जो अभी चलाया था उसको ऑफ कर दिया है मैंने। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 96% 97% लोड है, और ये आपका एम्पियर आ रहा है करंट जनरेटर पे। अभी धीरे धीरे, अभी जस्ट ट्रिप किया है तो अभी लोड धीरे धीरे बढ़ता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैं आपको कुछ देर में अभी वीडियो कट करके फिर से दिखाता हूँ टोटल लोड, जैसा कि आपको दिखा पा रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो में रुक के इसलिए दिखा रहा था ताकि वो अपना कैलकुलेशन कर सके दोस्तों, क्योंकि इन्वर्टर रिस्टार्ट हुआ था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने घर का सारा लोड दे दिया है इस पर। उसके बाद 96% का लोड लगभग आ रहा है, और इसमें इतना बैटरी का वोल्टेज है, और ये पैनल का एम्पियर है, और ये है पैनल का आउटपुट वाट में, 718 वाट के आसपास जनरेशन आ रही है दोस्तों, 95% का लोड है। तो दोस्तों इस पे मैं अपने घर का जितना भी लोड दिया हूँ, जिसमें मैं अपने घर की सारी लाइट्सें ऑन किया हूँ, और जिसमें दो ट्यूबलाइटें हैं, बाकी एलईडी बल्ब है, और दो कूलर ऑन है, और दो पंखे ऑन है, सीलिंग फैन, और एक फ्रिज है मेरा, इतना सारा चीज़ का लोड इस पे 96% टोटल टोटल आ रहा है दोस्तों। ये रहा 20 एम्पीयर से ऊपर ये करंट जनरेशन आ रहा है दोस्तों। और जैसे कि इसमें पैनल का आउटपुट जो देख पा रहे हैं इसमें, इतना पैनल से आउटपुट आ रहा है, 20.3 एम्पीयर का करंट आउटपुट आ रहा है, और 716 वाट का आउटपुट आ रहा है। जैसा कि आपने दोस्तों बोला था इस पे टोटल लोड टेस्ट कराइए, तो मैं आपको टोटल लोड टेस्ट करा चुका हूँ। हालांकि इस पे मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इस पे मैं आयरन टेस्ट करवा रहा हूँ आपको, हीट आयरन, लेकिन टोटल लोड बंद करने के बाद। दोस्तों हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ, एक टेस्ट और करा कर दिखाऊंगा। जो यहाँ पर दिख रहा है लोड 0.00% हो गया है, मैंने सारा घर का लोड बंद कर दिया है। और इस पर हम एक, जो कि मेरा आयरन है, और हालांकि ये 5-6 साल पुराना है दोस्तों, तो जो बेसिकली आयरन होते हैं आप तो जानते ही हैं 800 से 1000 वाट के आसपास के होते हैं। तो मैं सोचा कि थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन एक आपको एक आयरन टेस्ट का लोड कर चेक करके दिखा दूं, तो हालांकि आपको दिखा रहा हूं। देखिए दोस्तों ये हमारा आयरन ऑन हो गया है, और आते हैं आपको दिखाते हैं, यहां पर 97% लोड दिखा रहा है, और ये जनरेशन है एम्पियर का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर आपको दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको आयरन की अगर ज़रूरत पड़े, तो आप दिन के टाइम आप चला सकते हैं, अगर आपका नॉर्मल आयरन प्रेस हो। जैसा कि मेरा मॉडल चल जा रहा है, आपका अब डिपेंड करता है कितने वाट का है, और उस पर डिपेंड करता है, आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो मेरा आयरन है वो इस पर चल जा रहा है दोस्तों, विदाउट ओवरलोड का एनी ऑप्शन
दिख नहीं रहा ओवरलोड का, ये बेसिकली नॉर्मली चल रहा है बस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों देखिए मेरा, जबकि फिर से मैंने एक बार दोबारा से आयरन चालू किया है, 18 एम्पियर का लोड है करंट पैनल से, कोई ओवरलोड का दोस्तों इसमें ऑप्शन मुझे नहीं दिखा रहा है, ये विदाउट ओवरलोड का चल रहा है। अब आप चेक कर सकते हैं दोस्तों आपके प्रेस आयरन का जो मॉडल हो कितना वाटेज, उस पर आपको टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो जो मेरा आयरन है मैं इस पर चला पा रहा हूँ बिना विदाउट ओवरलोड के। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है लेकिन इसमें आपको सारा डिटेल बताना चाहता था, इस वजह से। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, धन्यवाद।